आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च टमाटर प्याज की सब्जी, जिसके लिए गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम एक बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच जीरा, दो पिंच के करीब हींग। हींग और जीरा भुनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दो प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज भुन जाने पर हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, मैंने 7 से 8 हरी मिर्च लिए, जिसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। देखिए मिर्च भी हल्की सी भुन गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती है फ्रेंड, पर इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब दो टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से पक गई हैं, सब्जी हमारी तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।